गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या सब काम करने के लिए तैयार है? डैरिल। जॉन सॉरी, बोलो। कुछ नहीं, तुम बताओ। कैंपेन के बारे में सोच रही हूँ। जब से ये प्रोजेक्ट आया है मुझे ना अनईजी सा लगने लगा है। ये तो तुम्हारे अच्छे दिन है डैरिल, तुम बस रुको और देखती जाओ। मुझे बस ये देखना है कि जिस दिन तुम क्लाइंट खोदोगी उस दिन कैसे रिएक्ट करोगे। ओके ओके, उस प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसका रिजल्ट परफेक्ट आया और थैंक यू वेरी मच कि तुमने सनम को काम करने दिया, यू नो। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बस सरप्राइज होता है कि कैसे तुमने एक नॉन एक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। सनम जल्दी नहीं सोच सकती और हमारे जैसे पक्के फैसले भी नहीं ले सकती है। डैरिल, आई एम श्योर तुम्हें टर्टल और रैबिट की स्टोरी पता है। मुझे पता है जान, कछुआ आखिर में रेस जीत जाता है। नहीं नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। यह रास्ता कंप्लीट करने का मकसद नहीं है, मकसद यह है कि जैसे कछुए ने कुछ चीजें देखी जो रैबिट ने नहीं देखी, एडवर्टाइजिंग भी वैसी ही फील्ड है। लोगों को अनदेखी चीजें दिखाना हमारा फर्ज है और उसके लिए ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। जो सनम ने इस प्रोजेक्ट पर दिखाया है, जो चीज हमें नजर नहीं आती वो उसे आई है और यही हम नजरअंदाज करते हैं। तो डैरिल, तुम समझदार हो, मैं चाहता हूँ कि तुम और सनम एक दूसरे से दोस्ती कर लो। ओह कम ऑन। क्या? मैं चाय लाई हूँ। थैंक यू सनम। इस बार चाय आपके लिए नहीं है, मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, पर आप ये ट्राई कीजिए। अच्छा, पी लो, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हमेशा कॉफी पीना अच्छा नहीं है, यू नो। ये मेरे लिए है, थैंक यू सो मच सनम। माय प्लेजर। बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बॉन अपेटिट। तुम सबको बुला लो, हम एक बार फाइनल चेकअप कर लेते हैं। ओके, जैसा कि आप सब देख रहे हैं द ग्राफिक्स, दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमेशन हैबिट्स ऑफ आवर टारगेट कस्टमर। आज चाहे तो हम हमारे स्लोगन के बारे में बात करना चाहेंगे। हमने डिस्कवर योरसेल्फ ये स्लोगन रखा है और जी हाँ, ये स्लोगन का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे कस्टमर्स के साथ में, कंपस स्पोर्ट्स के साथ, ताकि लोगों में वो फीलिंग जनरेट। और इससे हमने तय किया है कि हम एक अच्छी कैची इमेज बनाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए और बिलबोर्ड्स के लिए विजुअल्स। हमने बारीकी से काम किया है, ये रहे हमारे सैंपल्स। चलो अब देखते हैं इन्हें। इस इमेज से कस्टमर को हम दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने खुद को ढूंढ लिया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत लाजवाब है, मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है और मुझे विश्वास है ये हमें ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू एवरीवन, पर असली क्रेडिट जाता है सनम को, क्योंकि कंपस स्पॉट का जो स्लोगन बनाएगा उसे बोनस मिलेगा, ऐसा कहा था मैंने। और अब ये वक्त आ गया है कि मैं अनाउंस करूं कि ये बोनस किसे मिलेगा। लेकिन ये आपने बताया कहाँ पे था, मैं भूल गया। हाँ, जंगल में बताया था। हाँ, पर अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम प्राइस डिजर्व करती हो सनम, और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। थैंक यू। जान, कितनी खूबसूरत है ये, थैंक यू। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आई। हम इसे चलाएं? हाँ चलाओ। ये अच्छी बात है कि आपको भी चलाना आता है। चुप रहो और पकड़ो मुझे। ठीक है।
मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन. माय प्लेजर. जब मन करे चलाओ. आई होप तुम मुझे रोज राइड पर ले जाने के लिए पूछोगी नहीं, है ना? मैं कर सकती हूँ. हाँ, कर सकती हो. पर अगर आपको मेरे साथ रोज राइड पर नहीं आना है तो मुझे गाड़ी चलाना सीखना होगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगा. चाय? वंडरफुल. मैं डेरन के कैबिन में हूँ. ओके, बाय. वो बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, एकदम ब्राइट रेड, एकदम परफेक्ट. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सनीम. तुम्हें पता है, जब मैंने इस बॉक्स को देखा मुझे लगा कि जरूर वो तुम्हारे लिए कोई प्रपोजल है, वरना कोई थोड़ी ना ऐसा. नहीं, ऐसा नहीं है. पर तुमने सही कहा था कि तुम बस फ्रेंड्स हो, पर मुझे वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं लगती, तुम दोनों के बीच में कुछ अलग ही केमिस्ट्री. हाँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. मैं उनसे दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं नहीं कर पाती, जैसे जिंदगी हमें एक करना चाहती है. मेरी सनीम, सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता. लैला, आज तुम ठीक तो हो ना? मतलब आज तुम एकदम खुश लग रही हो, कल जैसा मूड नहीं है तुम्हारा. मैंने मिस्टर एमरे से बात की और उन्होंने रात भर मिस्टर जॉन से बात की और उनके बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. क्या ये सच है? ये तो अच्छी बात है. वाओ. हाँ डियर. लैला. हाँ बोलो ना. लैला, लैला, लैला. सनीम, भाई बहन होना किसी खजाने से कम नहीं है. अगली बार से कभी झगड़ा नहीं करेंगे. हाँ समझ गई, हम नहीं झगड़ेंगे. तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी एक किस मिलनी चाहिए? हाँ. आइए ना, वेलकम. थैंक यू सनीम. जॉन कहाँ है? मिस डेरन के रूम में. क्यों, क्या हुआ? ओह ओके. आइए आइए, मेरे साथ आइए. मैं ले चलती हूँ. मुझे मेरा जैकेट उतारने दीजिए. आइए. मिस्टर जॉन, आपके लिए मेहमान आए हैं. जॉन, हमें बात करनी है, अर्जेंट है. अर्जेंट? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इस ऑफिस में जरूर कोई जासूस है. जासूस? कैसे? आज दूसरी कंपनी का प्रेजेंटेशन था. उन्होंने जो आइडिया स्लोगन प्रेजेंट किए वो बिल्कुल तुम्हारे आइडियाज की तरह ही था. मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है? ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड, तुम मुझे पहले आराम से सारी इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले मुझे तुम्हारी कैंपेन के बारे में कुछ जानना है. जेदा, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है. मिस जेदा, अगर आपको हमारे बारे में कोई भी डाउट्स हो. नहीं नहीं, मुझे बस इतना नजर आ रहा है कि आपका काम किसी ने चोरी किया. ओके ओके, हम मीटिंग रूम में बात करते हैं. आइए मेरे साथ चलिए. फिर से? अच्छा जॉन, काम डाउन. नहीं नहीं, तुम ना समझ नहीं रही हो मेरी बात को. हाँ ओके. हाँ मैं शांत हूँ. ओके हाँ ठीक है. पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रही हो ना तुम? ये बहुत ज्यादा हो रहा है. जैसा कि तुमने कहा, हमें शांत रहना चाहिए. यही चीज हमारे लिए सही रहेगी फिलहाल. हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे. हाँ तुम सही कह रही हो, मैं जा रहा हूँ. और ये रहा हमारा प्रिपेयर किया हुआ कैंपेन. सच में तो मुझे डर लग रहा है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. डर लग रहा है. परफेक्ट. पर मुझे माफ करना, ये एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन है जो हमें पहली कंपनी ने दिखाई थी और हमें पसंद भी आई. वैसे तो मैं हमेशा पहले को ही चुनती हूँ, पर मुझे आप पर और गामजे पर पूरा यकीन है. और अब से कॉन्ट्रैक्ट आपका. वंडरफुल. यस, बढ़िया है. कांग्रेचुलेशंस. गामजे. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस, यू आर सुपर. अच्छी चॉइस है आपकी. थैंक यू. बढ़िया. जरा उन्हें देखो तो, ऐसे लगते हैं
जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। उन्हें देखकर ही ना मुझे जेलस फील हो रहा है। क्या सच में? पर दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं, परफेक्ट कपल लग रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा आपने। क्या तुम चुप रहोगे? मैं चाय लाती हूँ। अब हमें चलना चाहिए। ओके, थैंक यू। और जल्दी करना, ये कैंपेन जल्दी हो जाना चाहिए, वरना वक्त जाएगा और हमारा काम। फिक्र मत कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, मैं आज शाम तक आपको पेमेंट कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आज आपने मुझ पर और मेरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पर सबसे पहले आप उस जासूस को ढूंढिए, ये हमारे लिए खतरा। आई नो, मैं भी काफी परेशान हुआ हूँ, पर मैं जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा। ओके, ओके, सी यू। सी यू, बाय। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रहे हैं। आई मीन, ये सब कैसे हो सकता है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। हाँ, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया, पर फिर भी हम चैन से खुश नहीं हो पा रहे हैं। पर ये किसने किया होगा? कौन, क्यों, तुम परेशान क्यों हो? पार्टी एंजॉय करो, थोड़ा डांस करो। जीजी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ जासूस है, आखिर वो कौन हो सकता है? अच्छा, मैं जब भी पार्टी में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और सनीम, जासूस कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बकवास करना बंद करो जीजी। मिस्टर जान ने हमें देखा। बात को मत बढ़ाओ। शायद उन्होंने मुझे सुन लिया, उन्होंने सुना कि मैंने कहा हम भी जासूस हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। शांत रहो, नॉर्मल हो जाओ। मैं कैसे हो जाऊं सनीम? मेरे आसपास कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं? हां, मैं नहीं हो सकता। देखो, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैंने अभी कन्फेस कर दिया, अब हमें जेल जाना होगा सनीम। तो मुझे हर बार फंसा देते हो। अगर तुम कह रही हो तो लोग हम पर शक करेंगे। पहले खुद को तो देखो। कैसे रहूं, कैसे रहूं, मुझे घबराहट हो रही है। ये नॉर्मल दिख रहा है? नॉर्मल दिख रहा है तुम्हें? जान, जान। हाँ। तुम मुझे सुन रहे हो? माफ करना, मैं सुन रहा हूँ। बोलो, क्या कह रही थी? क्या हम ऑफिस में और कैमरास लगवा दें? हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा, हमें सबकी कंप्यूटर्स चेक करनी चाहिए जैसे पहले किए थे, और जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना चाहिए। कैसे हो भाई? एमरे, आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? मैं घर में बोर हो गया था इसलिए ऑफिस चला आया। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कहीं बाहर खाना खाने चले भाई। हाँ, अच्छा हुआ तुम आए, पर तुम गलत वक्त पर आए हो। क्या हो गया? एमरे, अच्छी बात है कि आप जल्दी रिकवर हो रहे हैं, पर आपने आज यहाँ आने का गलत दिन चुना है। क्या कह रही हो तुम? हमें आज अच्छा प्रोजेक्ट मिला, पर हमें ये भी पता चला कि हमारा प्रोजेक्ट किसी ने चुरा कर प्रेजेंट कर दिया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है भाई? तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? काश, काश। चलो, मेरे केबिन में चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बार मैं मेरे केबिन में जाना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आराम से। मिस्टर एमरे, वेलकम। हेलो लैला। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुपर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एमरे, ये जासूसी वगैरह मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है। क्या ये फिर से आइलैंड हो सकती है, अगर मैं सही हूँ तो? आइलैंड? वो कैसे हो सकती है, वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी को जासूस बना कर रखा होगा, वो कुछ भी कर सकती है। तुम फिक्र मत करो डेरेन, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, मैं अब चलता हूँ लैला। ओके, सी यू मिस्टर एमरे। सब कुछ खत्म हो गया जीजी, मिस्टर जान को मुझ पर शक आया होगा। वो मुझे देखे जा रहे थे और मुझे देखकर मिस डेरेन से भी बात कर रहे थे। अब सब खत्म। चिंता क्यों कर रही हो? तुम भी मुझसे यही कह रही थी ना, काम डाउन। अब तुम काम डाउन हो जाओ। मुझे मिस्टर एमरे भी बहुत घूर के देख रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है।
डेरन एक मिनट प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ। कुछ होने वाला है। सनम क्या तुम मेरे केबिन से मेरी फाइल्स ले आओगी प्लीज? जाओ सनम, डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस एक सिंपल सी फाइल ले जाओ। आप काम डाउन, काम डाउन। मिस्टर एमरे, सनम, मैं यहाँ डेरन का वेट कर रहा हूँ। मैं यहाँ फाइल्स लेने आई हूँ। ये वाली फाइल्स है क्या? हाँ मिस्टर फाबरी। मिस सनम आप फ्री हैं क्या? हम बात कर सकते हैं जरा? हाँ जरूर। मिस्टर एमरे सर, मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आने वाला था पर आप तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई, मुझे उम्मीद है कि आपके मिस्टर जान के साथ रिलेशन अच्छे बने हैं। थोड़े बहुत। चलो अच्छा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। या कोई सेलिब्रेशन वगैरह चल रहा है क्या? हमें कॉम्पास स्पोर्ट्स का कैंपेन मिला है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे अंदाजा था ये तुम हर काम में चार चांद लगा देती हो, अच्छा काम ही करती हो, काबिल हो। थैंक यू। गुड। मिस्टर एमरे आपकी परमिशन से मैं मिस सनम से कुछ बात करना चाहूंगा, प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके ओके प्लीज कैरी ऑन, बाद में मिलते हैं। जरूर जरूर। शायद तुम्हें मेरी परफ्यूम की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है सर, मुझे वो परफ्यूम चाहिए। मैंने बताया है मैं वो आपको नहीं दे सकती। हम लोगों ने डील की थी और अब तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है, जो करना है करो प्लीज, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पेन है ना तुम्हारे पास? तो ये है पेपर जिन पर साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ ये ऑफिशियल प्रोसीजर है, ये हमारे एग्रीमेंट को लीगलाइज करेगा और ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। मिस्टर फैब्रिक वेलकम। ओ हेलो मिस्टर जान, मैं मिस सनम से बात कर रहा था, जैसे कि आपको बताया कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रहे, आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो बताया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये क्या है सनम? मिस्टर फाबरी ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है। हाँ ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है, अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिस्टर फाबरी ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जॉन। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन, मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते, एग्रीमेंट तैयार है। सच है सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्त पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर जान, मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर जान मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है, आप इस मामले में दखल ना दें प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए।
मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिस कम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सनम? हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जान प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर जान ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर जान यहाँ $400,000 लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ डबल चाहिए। हाँ क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं जान क्या कर रहे हो? डबल चाहिए। सनम सनम नहीं सनम, एक मिनट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। डबल चाहिए, डबल चाहिए। जान सुनो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जान हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ले गरीब, रख अपने डबल पैसे, दफा हो। मिस्टर जान आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर।